आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही ताकतवर मंत्र, जिसको अगर आप सही तरह से अपनाते हैं तो किसी भी तरह का शत्रु, चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, आपको कितना भी दबाता हो, यकीन मानिए वो आपकी हर बात मानेगा, आपके पूरी तरह कंट्रोल में हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आप हमारे द्वारा बताई गई विधि को पूरी तरह से अपनाएं बिना कोई गलती के। चाहे आपको वीडियो 10 बार देखना पड़े हमारा, लेकिन एक एक चीज को बारीकी से समझकर आप इस मंत्र को पूरी तरह से अपनाएं और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। जानकारी अति महत्वपूर्ण है, आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन और है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक और भी हमारे महत्वपूर्ण वीडियो टाइम से पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। दोस्तों, अगर आपको शत्रु को वश में करना है, उससे अपनी हर बात मनवानी है, तो वीडियो को अब आप ध्यान से सुनिए और हर बात को एक एक कदम के हिसाब से अपना कर इस मंत्र को पूरी तरह अपनाएं। दोस्तों, चील की बिष्ट छांव में सूखा पान में रख कर शत्रु को खिला दें। मैं दोबारा कह रहा हूँ, चील की बिष्ट छांव में सूखा पान में रख कर शत्रु को खिला दें, या फिर बंदर की बिष्ट को शत्रु पर लगाएं, या भांगुर के रस में सफ़ेद सरसों को मिलाकर शत्रु को देकर इसका तिलक लगाकर शत्रु के सामने अगर आप जाते हैं तो शत्रु अवश्य ही वशीभूत होता है। अगर आप सहदेई और ओंगा के रस को त्रिलोह के पात्र में घोटकर तिलक लगाते हैं तो भी आपका शत्रु वशीभूत हो जाता है। सहदोई और ओंगा के रस को त्रिलोह के पात्र में घोटकर तिलक लगाने से भी शत्रु वशीभूत हो जाता है। भागरा, ओंगा, सहदोई, आंकोल, बच सफेद, आक, इन सब का अर्क निकालकर त्रिलोह के पात्र में 3 दिन तक आप घोटें। तब इसका तिलक लगाकर बैरी के सामने जाएं तो उसकी बुद्धि और मन आपकी पूरी तरह नियंत्रण में हो जाएगा। अथवा ओम नमो भगवते अमोकस्थ बुद्धि स्तंभन शत्रु फट स्वाहा। मैं फिर से के बता रहा हूं आपको मंत्र, ओम नमो भगवते अमोकस्त बुद्धि स्तंभन शत्रु फट स्वाहा। आप इस मंत्र को 10,000 बार जपते हुए समय शत्रु का नाम लेकर सिद्ध करें तो आप देखेंगे कि आपके शत्रु की मत्ति पलट जाएगी। यदि इसी मंत्र को आप 1,00,000 बार जप कर ब्रह्मांड में उसकी उपासना करेंगे तो सांप, राजा, चोर, दुश्मन का भय आपको बिल्कुल नहीं रहेगा। आप इस सब से ऊपर उठ जाएंगे। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। हमारे द्वारा बताए गए मंत्र को आप अच्छी तरह से अपनाएं और देखें कि क्या कमाल होता है आपकी ज़िंदगी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप हमसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
या अगर आप नहीं पूछना चाहते वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो आप हमसे सीधे संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके परेशानी का सटीक हल देने के लिए। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।